मानव सेवा का भाव लिए व साथ ही रक्तदान जीवन दान का संदेश लिए। सेक्टर 2 गणेश पंडाल में न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर लगाया गया, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु पंजीयन कराया गया। न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष जे श्रीनिवास के दिशा निर्देश पर यहां रक्तदान करने आए लोगों ने रक्तदान कर जीवन दान का संकल्प लिया। शिविर को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई, साथ ही ऐसे आयोजन लगातार करते रहने की बात कही। आज हमारा एक दिवसीय रक्तदान का हम शिविर रखे हैं। कुछ लोग मन में संकोच रहता है, डर के मतलब नहीं कर पाते कोविड के बाद, तो हम लोग ने एक ऐसा आयोजन रखा आज के लिए। इसमें मतलब युवा वर्ग एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी लोग रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। ऐसा सोच के सारे लोग कर रहे हैं, कम से कम इस रक्तदान से किसी का जीवन बच जाए, ऐसा हमारा समिति का विचार है। तो सारे लोग यहाँ पर आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा, और साथ ही साथ हजार समिति के द्वारा यहाँ पर हम लोग फ्री जो हेल्थ कार्ड जो बना रहे हैं, इसमें क्या कि बालाजी स्कूल रखा हुआ है, और साथ जिसका जो ब्लड का है जो मतलब ग्रुप है वो भी आप लोग मतलब पता कर सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो वो हम लोग एक दूसरे आयोजन रखे हैं, इसमें काफ़ी लोग बच्चों हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं सारे लोगों का धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन में आपको साथ दिए, और पुनः आप सबको धन्यवाद। नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हमने सेक्टर 2 के जय श्रीनिवास राव जी से हमने बात करके यहाँ पे आज के लिए हमने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया, हम उनको तहे दिल से आभारी हैं। और हमने यहाँ पे निःशुल्क ब्लड बैंक और हमारा एक फैमिली कार्ड जो हमारे हॉस्पिटल में स्टार्ट हुआ है उसको भी हमने यहाँ पे किया है। सब लोग बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे आए, और ब्लड डोनेशन भी हो रहा है और फैमिली कार्ड्स भी बन रहे हैं। इसलिए मैं सेक्टर 2 गणेश उत्सव समिति को तहे दिल से आभारी हूँ। पहले तो यहाँ पर सभी को मेरा धन्यवाद, श्रेणु भैया को भी धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाए, और यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। और रक्तदान महादान होता है, जीवन दान सभी को करना चाहिए जो समय समय पर, जैसे हमारे समाज में गरीबों को कभी कभी रक्त के कारण मौत का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे जीवन दान करते रहना चाहिए। धन्यवाद।